अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। जो पहली बार आ रहे हैं तो आज मैं लंच में देसी मुर्गी बना रही थी, बल्कि मुर्गा बना रही थी। हमारे घर पे LPG है इसलिए गोश्त वगैरह है और ऐसी चीज़ें जिस पे ज़्यादा गैस लगती है तो वो मैं आग में बनाती हूँ। और इसके लिए मैंने प्याज टमाटर काट दिए थे, अदरक लहसुन कूट दिया था और उसको वो थोड़ी देर बाद ही मैंने उतार दिया। तो ये मेरा देसी मुर्ग जो है वो बॉयल हो गया है और बॉयल करते टाइम मैंने इसमें एक प्याज लहसुन और कड़े मसाले जो होते हैं गरम मसाले, सूखा धनिया वगैरह डाल दिया था जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और स्मेल जो गोश्त वाली होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने अलग से निकाल दिया जो अभी मुझे बनाना है और इसको मैं बनाने लगी हूँ। फिर तो ये मेरा प्याज भुन गया है, इसे मैं इस पर टमाटर और मिक्स मसाला, हल्दी वगैरह जो भी चीज़ें भी घर पे अवेलेबल हैं वो मैं डाल दूँगी। और जब मेरा मसाला भुन जाएगा तब मैं इसमें गोश्त डाल के उसको भूनूंगी। तो मेरा मसाला भुन गया है, तेल छोड़ दिया है इसने और मसाले पक गए हैं, इसलिए अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और अब इसको भून लूँगी। तो मेरा चिकन भुन गया है, अब इसके साथ मैं खाने के लिए कुछ रोटियां भी बनाऊँगी। तो लंच मेरा प्रिपेयर हो गया था और इसके बाद मैंने अपने घर के करीब एक लोकल मार्केट की विज़िट करनी थी जो कि अब्दारा रोड पे है और इसको कहते हैं पेशावर का सस्ता बाज़ार। तो वहाँ पे ये बहुत सारी वैरायटी थी हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स वगैरह की और बहुत प्यारे प्यारे हेयर क्लिप्स थे। आई बी ऑनेस्ट, लड़कियों के लिए बहुत क्यूट क्यूट थे, बटरफ्लाइज के थे, फ्लावर्स के थे और भी बहुत सारे बीज वगैरह के थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। एक कारपेट्स और कुशन वगैरह की शॉप थी यहाँ पे, जो कुशन वगैरह के कवर्स भी अवेलेबल थे और भी सोफ़ा कवर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। एक बात ये मैंने नोट की कि एक छोटा सा मार्केट है लेकिन इसमें हर ज़रूरियात ज़िंदगी अवेलेबल है, चाहे वो डिनर सेट्स हो, प्लास्टिक के बर्तन हो या मेकअप वगैरह के सामान हो या शूज़ हो या कपड़े हो, कारपेट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। हालांकि ये है छोटी सी मार्केट, ये वाली शॉप कॉस्मेटिक की शॉप थी जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, परफ्यूम, मिस्ट वगैरह और आई शेयर, मतलब मेकअप का हर सामान और जितने भी क्रीम्स हैं या लोशन वगैरह हैं, शैम्पू, हेयर ड्राई, हर चीज़ अवेलेबल थी जिसको चाहिए थी। तो मतलब अगर जो भी जिसके भी घर के करीबी मार्केट पड़ता है तो वो ले सकता है। बहुत प्यारे शेड्स मौजूद थे यहाँ पे नेल पेंट्स के। और इसी कॉस्मेटिक के शॉप पे ही ये हेयर बैंड्स वगैरह थे, हेयर रबर्स वगैरह,
और ये सारे बैग्स वगैरह भी अवेलेबल थे। और इनका जो प्राइस रेंज है वो वेरी करता है हर चीज़ का। आप ज़ाहिर है इतना सारा सामान था तो एक एक प्राइस तो मैं नहीं बता सकती। ये एक शॉप थी कपड़ों की और इसके ऑनर से मैंने पूछा कि इनका प्राइस रेंज क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम 3500 है और मिनिमम 1500, मतलब 1500 से लेके 3500 तक इन सारे ड्रेसेस का प्राइस रेंज है। इसी मार्केट में कुछ दो तीन शॉप्स थ्रिफ्टेड स्वेटर्स और जैकेट्स की भी थी, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा रश था लोगों का, इसलिए मैं उनकी वीडियोस नहीं बना सकी। मे बी नेक्स्ट टाइम बनाऊँ। तो ये थी एक शूज़ की शॉप जिस पे लिटरली हर टाइप का शूज़ अवेलेबल था, चाहे वो फ्लेयर्स हो, स्नीकर्स हो, कोर शूज़ हो, या किसी भी टाइप का हील हो, ब्लॉक हील हो, पेंसिल हील हो, या शॉर्ट हील, जिस टाइप के शूज़ आपको चाहिए, ये कम्फी शूज़, हर टाइप के शूज़ इस एक ही शॉप पे अवेलेबल थे। इवन कुसे तक इस शॉप पे थे। तो एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी नोट की कि इसमें बहुत ही प्यारे शूज़ थे, स्पेशली जो कोट शूज़ थे बहुत ही प्यारे थे। और इनकी प्राइस जो ये कोट शूज़ है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड्स काफ़ी कम थी, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और बहुत प्यारे क्वालिटी के और बहुत प्यारे वैरायटी के कुसे थे, और हर टाइप इनका हर एक शूज़ ही बहुत प्यारा था। तो ये एक और कॉस्मेटिक्स की शॉप थी जहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल थी, और इन लिपस्टिक्स का प्राइस रेंज भी वेरी करता था, 100 से स्टार्टिंग था, और नेल पेंट्स का 50 से 100 तक का प्राइस रेंज है, और यहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।